हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, जो प्रीवियस वीडियो हैं काइनेमेटिक्स के, वो आई थिंक आप साथ साथ पढ़ रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे 2D रिलेटिव, ठीक है। 1D रिलेटिव आप पढ़ चुके हो। 1D में जैसे चोर के पीछे पुलिस भागती है, पुलिस के पीछे चोर भागती है, चोर के पीछे पुलिस भागती है, कुत्ता बिल्ली वाला है इस तरह के, या एक कार दूसरी कार को यूँ आगे के कब से छोड़ देगी, कितने टाइम में छोड़ देगी, तो इस तरह से है ना, कुत्ता बिल्ली वाले, चोर पुलिस वाले, या दो गाड़ियों की अपेक्षित गति वाले। आपके ये जो काइनेमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ, गति की, इस काइनेमेटिक्स में दोस्तों जो क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो इसी के ही आते हैं। या तो 1D रिलेटिव के आएंगे या फिर 2D रिलेटिव के आएंगे। ये जो रिलेटिव है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ें ही, लेकिन इसके द्वारा आप कोई भी न्यूमेरिकल है, कोई भी टॉपिक है, वो चीज़ों को आप आसान करते हो। यदि आप इस मेथड से नहीं करते हो, तो इस 2D रिलेटिव वाले या 1D रिलेटिव जब आप मेथड से करोगे, तो आप वन लाइन सॉल्यूशन आपको मिलता है, ठीक है ना। और यदि आप इस मेथड से नहीं करते हो, तो आप हो सकता है वो दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन या दो पेज का भी आपके सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी तभी क्लियर होंगी जब आपको पीछे का एक जो सिंपल जो मेथड है वो आपको आए, ठीक है। तो ये है आपके द्विविमीय 2D रिलेटिव मोशन, द्विविमीय आपेक्षिक गति, द्विविमीय आपेक्षिक गति, ठीक है। इसमें हम दोस्तों जनरली जो भी क्वेश्चन करेंगे, वो तो एक तो आपके हो जाएंगे रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है। रिवर बोट प्रॉब्लम में आप लेते हो कि नदी है, उस नदी में कोई व्यक्ति यदि गति कर रहा है, तैर रहा है, उससे रिलेटेड भी हम ले लेते हैं, ठीक है। या फिर वो बोट गति कर रही है, उससे भी हम रिलेटेड ले लेते हैं। साथ ही साथ एक अम्ब्रेला या रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है, कि बारिश गिर रही है और बारिश का वेग हो गया, प्लस वो जो मैन है या वुमेन है वो गति कर रही है, तो वो अम्ब्रेला को किस दिशा में लेगा, किस डायरेक्शन में लेगा, तो इससे रिलेटेड। तो कभी भी कोई भी दो वस्तुएं हैं, उनकी अपेक्षिक गति जब होती है, रिलेटिव जो मोशन होती है, उससे रिलेटेड हम ये टॉपिक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये रिलेटिव जो है, कभी भी, यही नहीं, आगे हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे, आगे हम NLM पढ़ेंगे, या आगे हम रोटेशनल पढ़ेंगे, उनमें भी हम ये चीज़ें क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो रिलेटिव है, ये चीज़ों को आसान करता है। हालांकि थोड़ा सा टफ तो पड़ता है इसके द्वारा करने के लिए, लेकिन इससे आपको सॉल्यूशन वन लाइन मिल जाएगा। इसको समझने के लिए आपको अच्छे से सबसे पहले क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए, ठीक है। चाहे रिवर बोट हो, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, चाहे चोर पुलिस हो, चाहे कोई भी, कभी भी दो वस्तुएं जब एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रही हैं, तो उसमें जनरली ये जो प्रॉब्लम है, ये सभी वेक्टर प्रॉब्लम की, वेक्टर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा भागीदारी होती है, वेक्टर काफ़ी ज़्यादा यूज में आएगा। तो आपको वेक्टर इसमें इजीली आना चाहिए, एक बात। प्लस छोटी मोटी मैं आपको बात करूँ, ये शायद आपको क्लियर है, जैसे डायरेक्शन की हम बात करें, ठीक है ना, डायरेक्शन आप है ना रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हो। मान लीजिए इधर नॉर्थ है, इधर क्या है साउथ, तो ईस्ट किधर होगा, इस तरफ या इस तरफ, इधर क्या हो जाएगा ईस्ट और इधर क्या हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। कैसे भी आप इसको क्लियर कर सकते हो, ईस्ट ऊपर ले लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, या तो ईस्ट को आप स्टेबल कर लीजिए या नॉर्थ को स्टेबल कर लीजिए। ईस्ट के हमेशा ही किधर चले हो आप, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी यूं चलती है ना इस तरह से,
तो ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज जब हम 90 डिग्री पर आएंगे तब आपको क्या मिलेगा, नॉर्थ मिलेगा। या उल्टा भी आप समझ सकते हो कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज जब हम 90 डिग्री एंगल पर आएंगे तब आपको क्या मिलेगा, ईस्ट मिलता है। इसको मैं यदि यूं कर दूं, ठीक है, 90 डिग्री पर यदि रोटेट कर दूं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी हम लें, तो ये एक 2D से रिलेटेड ही है लेकिन हॉरिजेंटल है, ये रेन से रिलेटेड नहीं है। रेन में आप यूँ कहें कि रेन आ रही है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ साउथ में, क्योंकि रेन तो आपके 3D हो गई, ठीक है ना, तो ये आपके 2D है और हॉरिजेंटली है। इसके अंदर जैसे मैं ये कहूँ कि जो कोई भी पार्टिकल है वो पार्टिकल एंगल बना रहा है, मान लीजिए ये 57 डिग्री एंगल बना रहा है, तो 57 डिग्री एंगल बना रहा है कोई भी पार्टिकल, तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या कहोगे दोस्तों, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप कुछ प्रॉब्लम करोगे उसमें आपके इजी यूज में आएंगी। नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी किससे बना रहा है, पूरब से कितने डिग्री कोण बना रहा है, 53 डिग्री एंगल, और किस दिशा से बना रहा है, उत्तर दिशा से, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। या फिर यूं ये वाला एंगल कितना बच गया, 37 डिग्री। तो 37 डिग्री की यदि हम बात करें तब ये कितना हो जाएगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, कितने एंगल हो जाएगा, 37 डिग्री। ठीक है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। यदि मैं यहाँ ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, तो इसको आप फिर क्या कहोगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो इसको हम क्या कहेंगे, ईस्ट साउथ, यानी ईस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री कोण बन रहा है, किसके साथ, ईस्ट के साथ, किसके साथ बन रहा है, ईस्ट के साथ, एक ये बात ध्यान रखें। दूसरी बात, मान लीजिए ऐसे कह दे कि कोई पार्टिकल है वो नॉर्थ वेस्ट में है, किसमें है, नॉर्थ वेस्ट में है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो एंगल है किसके साथ, या तो वेस्ट और जो पार्टिकल है उसके साथ, या नॉर्थ है या उस पार्टिकल के साथ, वो कितना एंगल है, 45 डिग्री है, मतलब एकदम बीचों बीच, इन बिटवीन द टू डायरेक्शन, नॉर्थ और वेस्ट या एनी ऑफ टू डायरेक्शन, उसके एकदम मिडल में है। यदि कोई एंगल न दे तो, यदि एंगल देता है तब ये इस तरह से कहेगा, ठीक है, कि ईस्ट के साथ कितने एंगल है, 53 डिग्री, या नॉर्थ के साथ कितना है, 37 डिग्री। क्लियर, तो ये कुछ डायरेक्शन का है, ये कुछ प्रॉब्लम आप सॉल्व करो उसमें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। वेक्टर के लिए दोस्तों सबसे पहला जो वीडियो था मेरा वो यही था, समांतर चतुर्भुज का नियम, पैरेललोग्राम रूल, है ना, तो इसको आप अपने हिसाब से जैसे भी कर सकते हो। जैसे आर वैक्टर इक्वस टू क्या होता है, पी वैक्टर प्लस क्यू वैक्टर। आर वैक्टर इक्वस टू क्या होता है, पी वैक्टर प्लस क्यू वैक्टर, जानते हो, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आप ये क्लियर कर सकते हो। तो इस आर वेक्टर, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, ये आपको क्या बताता है, ये कितनी कितने वेक्टर हैं, ये टोटल कितनी क्वांटिटीज हैं, कितनी हैं, 1, 2 और 3। साथ ही साथ ये तीन के साथ साथ इनमें क्या क्या ये डिफाइन कर रही हैं, ये दो चीज़ें डिफाइन करती हैं दोस्तों। एक तो क्या डिफाइन करती हैं, मैग्नीट्यूड, और एक क्या डिफाइन करती हैं, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, मतलब टोटल कितनी आपके ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको मेजर करनी होती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे रिवर बोट हो, चाहे रेन हो, चाहे प्रोजेक्टाइल में भी हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल के ऊपर ले लेते हैं, यदि इधर से भी एक पार्टिकल थ्रो किया, इधर से भी एक पार्टिकल थ्रो किया, या एक सामने वाली मीनार है, इधर वाली मीनार है, है ना, दो आपके टावर हैं, इधर से एक पत्थर फेंक रहे हैं, उधर से एक पत्थर फेंक रहे हैं, दोनों आपस में कहाँ मिलेंगे, तो इस तरह से ये जो भी आपके हों, तो ये जनरली सारी की सारी वेक्टर रिलेटेड ही हैं, ठीक है। तो इसमें आपके टोटल ये कितनी वैल्यूज हो गई, 6 वैल्यू हो गई, मैग्नीट्यूड की 3 हो गई और डायरेक्शन की भी 3 हो गई, हो जाती है। तो टोटल कितनी वैल्यू है, टोटल वैल्यूज कितनी है, 6 है। टोटल वैल्यूज कितनी है दोस्तों, 6 मान है। इस 6 मान में से
कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आप करते हो 2D रिलेटिव मोशन की, उसमें चार वैल्यू आपको गिवन रहती हैं। कितनी दी रहेंगी, यानी गिवन जो है वो कितनी रहेंगी दोस्तों, 4 वैल्यूज होती हैं, ठीक है। 4 वैल्यूज आपको गिवन रहेंगी और आपको जो सॉल्व करनी है वो आपको 2 वैल्यूज होती हैं। ये कंसेप्ट है, ठीक है, कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें आपको 4 वैल्यू जो हैं वो गिवन रहेंगी, 2 वैल्यू आपको सॉल्व करनी होती हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। इसको मैं थोड़ा सा और छोटी बातें इसमें बताऊं आपको, कि जैसे ये R वेक्टर इक्वल्स टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, जानते हो आप, ये जानते हो, छोटा सा डायग्राम बना दूं फटाफट। ये इस तरह से ये आप बनाते हो, ये क्या होता है P वेक्टर, ये क्या होता है Q वेक्टर। हमने 2 पार्टिकल ले लिए, एक P वेक्टर एक Q वेक्टर, उनके लिए वेक्टर ले लिए, और इनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट क्या होता है दोस्तों, अरे रिजल्टेंट क्या होता है, R वेक्टर, ठीक है। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, R वेक्टर। P और Q के बीच में जो एंगल है वो मान लीजिए कितना है, थीटा है, ठीक है। और इनको हमने कवर करके ये क्या बना लिया, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो P वेक्टर R वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए अल्फा बना रहा है, थीटा बना रहा है, जो भी है। तो P और Q वेक्टर के रेस्पेक्ट में हम R का सबसे पहले मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, आपको पता है मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसमें मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चे आई थिंक क्लियर हो जाने चाहिए। तो R वेक्टर इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ठीक है। या C वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर है, पता है आपको कैसे करते हो, है ना। इसमें कंपोनेंट ले लेते हैं, P वेक्टर का कंपोनेंट ये, यहाँ ये आपके Q वेक्टर है, Q कॉस थीटा, Q साइन थीटा, उसके द्वारा क्लियर कर लेते हैं। ये वाला थोड़ा सा मैं और बता दूँ, अल्फा है, ये Q वेक्टर है, ये क्या बन गया, Q वेक्टर कॉस अल्फा, और ये क्या बन जाता है दोस्तों, Q वेक्टर साइन अल्फा, Q वेक्टर साइन अल्फा, क्लियर है, दिख रहा है। तो ये तो आपके हो गया मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला, और डायरेक्शन के लिए क्या लेते हैं, डायरेक्शन के लिए, दिशा के लिए दोस्तों क्या लेते हैं, याद है, टेन अल्फा। तो ये वाला एंगल ले लो आप, क्यों, ये पूरा का पूरा ये वाला है ना, तो ये वाला जब एंगल लेंगे हम तो ये बन जाता है टेन, टेन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्या, तो परपेंडिकुलर तो क्या हो गया, क्यू वेक्टर साइन अल्फा अपॉन पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर कॉस अल्फा, क्यू वेक्टर कॉस अल्फा, क्लियर है। तो ये आपने इतनी बातें इसमें लिख ली है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लेंगे, और इसमें आप ये जो 6 वैल्यूज जो आपको जो रहती हैं उसमें से 4 वैल्यू आपको गिवन रहती हैं, चाहे आप कोई भी प्रॉब्लम कीजिए, और 2 वैल्यू हम इसको सॉल्व करेंगे, और इसमें आप ये इजीली हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आई होप ये एक बेसिक सी चीज़ें 2D रिलेटिव में समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल और कुछ इसमें मोड्स लेंगे कि हम किस तरह से क्या क्या क्वेश्चन बनाते हैं और कैसे कैसे करते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करने की नहीं, यह प्रयास करेंगे क्वेश्चन बनते कैसे हैं, वो चीज़ आपको ज़्यादा आनी चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।